हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप आप सब खैर कह रहे हो। कि अल्लाह आप सब की मुश्किलें ख़त्म करे, आप सब की परेशानी ख़त्म करे, आमीन सुम आमीन। सो ये है एक मैंने मुझे पीआर में आया है, एससीडी प्रोबायोटिक्स आया है मुझे ये। सो ये बहुत अच्छा है, लाइक मैं ये एक हफ़्ते से यूज़ कर रही हूँ, इसके बाद आप लोग को रिव्यू दे रही हूँ। ये स्टमक में लाइक कोई भी एसिडिटी हो गई है, स्टमक की कोई भी पेन है, हेल्दी डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, और उसके लिए हेल्थ इशू जो भी लाइक पेट की होती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और इसके ब्रांड में लाइक बहुत सी चीज़ें अलग अलग चीज़ मतलब अलग अलग उसमें भी आती है, तो आप लोग इसका वेबसाइट चेक कर सकते हैं। ये अमेज़न में भी अवेलेबल है और वॉलमार्ट में भी। और ये थोड़ा सा पानी लेना है, एक कप ये जितना मैंने ली हूँ उतना पानी लेके उसके अंदर 1 टेबल स्पून मिक्स करके उसे पीना है। कोई भी टाइम पे पी सकते हैं, 12 ईयर्स के ऊपर के लोग जो भी पीना है उन लोग को पीना है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप आप सब खैर खैर से। आप सबकी मुश्किलें ख़त्म करें, आप सबकी परेशानी ख़त्म करें, आमीन सुम आमीन। सो ये व्लॉग स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग जा रहे थे पब्लिक्स, मुझे कुछ सामान लेना था बच्चे लोग के लिए, लाइक बच्चे लोग के स्नैक्स और ये सब। तो फैसल जल्दी आ गए थे, तो हम लोग जा रहे थे पब्लिक्स, मैं और फैसल निकल गए थे, बच्चे लोग घर पर ही थे। ओके, सो मैं आप लोग को प्रोबायोटिक्स के बारे में और डिटेल बता दूँ। आप लोग को जो भी और डिटेल चाहिए तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर इंशाल्लाह चेक करना। और ये 12 साल के अंदर के बच्चे लोग नहीं ले सकते, 12 साल के ऊपर ले सकते। और ये जो भी है इसके बारे में आप लोगों को और भी डिटेल दे दूंगी, ये मुझे अच्छा लगा है। और ये मतलब लाइक अफोर्डेबल है, इतना कॉस्टली नहीं है। इसके बारे में आप लोग को अगर जानना है सो आप लोग मेरे लाइक डिस्क्रिप्शन में जाना, और अगर किसी के मंगाना है तो इसमें 20% वेब आपके लाइक जो लिंक दी हुई है उसमें आप क्लिक करोगे तो 20% डिस्काउंट मिलेगा आप लोग को उस पर। सो जो भी आप लोग को जाना है तो इंशाल्लाह आप लोग चेक कर लेना, आप लोग मंगा सकते हो। ओके, सो बस पब्लिक्स में आ गए थे और देख रही थी क्या क्या चीज़ें हैं बच्चे लोग के लिए लेना था, तो मैं और फैसल फील्ड घूमे फिरे हम लोग पब्लिक्स। और बहुत दिन बाद लाइक मैंने कम से कम 4-5 महीना हो गया था उसके बाद आज पब्लिक्स आई हूँ। आप लोग को भी शायद पब्लिक से याद नहीं होगा क्योंकि इतने दिन से तो मैंने मेरे व्लॉग में बताई नहीं थी। सो बस यहाँ मेरे को फैसल बता रहे थे कि यहाँ मच्छी भी मिलती है, लाइक जो भी है सैलमन और ये सब मिल जाती है, बट मैं यहाँ से नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे फ्रेश फिशेज अच्छी लगती है, झींगे मच्छी फ्रेश अच्छे लगते हैं। सो हम लोग यहाँ से नहीं लेते, तो फैसल मुझे बता रहे थे कि यहाँ से भी ले सकती है, तो मैंने मना करी, मैं बोली नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो ये मुझे लाइक आया था प्रोबायोटिक्स में, आप लोग को जो बता रही थी जो पीआर का लाइक कोलैबोरेशन का, मैंने आप लोग को उस दिन भी बताई थी कि मैंने इंस्टाग्राम में थोड़ा शुरू करी हूँ, तो ये इंस्टाग्राम के लिए आया था, बट मैंने सोची आप लोग को से भी थोड़ा शेयर कर लूँ, तो ये हो सकता है किसी के लिए बेनिफिट हो तो अच्छी बात है। तो मैंने इसलिए यूट्यूब पर भी शेयर कर दी, और आप लोग को अगर ये देखना है लाइक मेरा पूरा देखना है तो आप लोग इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम की जो भी आईडी है मैं स्टार्ट में डालती ही हूँ लाइक जब मेरा व्लॉग शुरू करती हूँ, तो आप लोग वहाँ चेक कर लेना। और यहाँ आसमान मुझे तब प्यारा लग रहा था तो मैंने थोड़ी सी वीडियो वहाँ से ली, फिर घर पे आई और घर पे मैंने सब सामान रख के पहले तो थोड़ा रिलैक्स करके बैठी, और बस एमन मेरे पास आके देख रही थी क्या है। सो हम लोग ये देख रहे थे ये कूपन्स मिलते उधर लाइक पब्लिक्स में, ये कूपन होता है, तो मैंने वो लेके आई थी। तो आज बहुत दिन बाद मैंने ये शॉल पहनी थी, ये इंडिया से मैंने 3-4 शॉल लाई थी, मुझे ऐसी शॉलें बहुत पसंद है तो मैंने आज पहनी थी, तो मैंने आप लोग से भी शेयर करूँ, आप लोग को भी बताऊँ। आज पहली टाइम नहीं लाइक बहुत टाइम बाद पहनी थी, दूसरी टाइम लेकिन बहुत साल बाद। ओके, यहाँ हल्दी वाला दूध बना रही थी क्योंकि नुमान के पैर पर लग गया है, वो गिर गया था, तो उसके लिए हल्दी वाला दूध बना रही थी। और यहाँ अमन चुपके से मस्तियाँ कर रही थी। कम आउटसाइड। फिर ये हो गया था नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मैंने कोई ज़्यादा क्लिप नहीं ली थी, इवनिंग का टाइम था, नोमान को बनाने का था डेलगोना कॉफ़ी। अभी बच्चे लोग को फिर डेलगोना का शौक आया है, तो यहाँ वो डेलगोना कॉफ़ी बना रहा था, और यहाँ अमन और रेन भी मस्तियाँ करी थी। कुछ शाम का टाइम था, मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई तो यहाँ अमन रोते हुए मेरे पास आई, तो नोमान ने कुछ बोला था, तो बस ये 2-3 क्लिप बनाई थी। फिर उसके बाद हो गया था नेक्स्ट डे, लाइक नेक्स्ट डे फैसल की हॉलीडे थी, और यहाँ मैं हो गई थी रेडी। मैं बोली चलो बच्चे लोग को लेकर, फैसल बोले थोड़ा सा किधर जाके आते वॉलमार्ट, तो हम लोग जा रहे थे वहाँ मामी। सो बस अभी हो गए हैं शाम के 4:15 हुए, और फैसल की आज छुट्टी है, हॉलीडे है उनकी, सो अभी सब काम हो गया है, अभी हम लोग निकल रहे जा रहे हैं वॉलमार्ट लेना है अमन का कुछ सामान और कुछ भी देख। क्लोज द लाइट, चलो चाबी ले ली, हाँ हाँ की ले ली ना, अमन हटो गेट साइड, चला जाने। ओके कम कम बिल्को अब्बा बैक साइड चल। तो यहाँ हम लोग नोमान का वेट कर रहे थे, वो बाय साइकिल में खेलने गया था, फिर वो आया, फिर हम लोग बस यहाँ से निकले, हम लोग बैठे और नोमान आया इतने में, उसने साइकिल रख के फिर वो भी आ गया, उसे आना नहीं था हम लोग के साथ। उसका ऐसा होता है कि मैं साइकिल में खेलते रहूँ उसके फ्रेंड्स लोग के साथ तो उसके आना नहीं होता है, बट मैंने उसको ज़बरदस्ती ले ली थी मैं बोली चलने के लिए। और ऐसा नोमान गिर चुका है, उसके पैर पर बहुत बुरी तरह लगे है, लाइक उसके नी पे लग गया है थोड़ा साइकिल से गिर गया। तो उसके बाद सबसे पहले हम लोग आए बिजूरिया, क्योंकि हम लोग को कुछ खाना था, लंच नहीं किए थे, तो फैसल बोले पहले थोड़ा सा लंच करते फिर वॉलमार्ट जाएंगे। तो बिजूरिया आए, हम लोग ने यहाँ कुछ मंगाया
मंगाए थे और क्या मंगाए थे मुझे याद भी नहीं है। यस हाँ, हम लोग ने शावरमा बॉल मंगा लिए थे, फिर हम लोग ने खाए और हम लोग बाहर निकलने गए तो इतनी सारी बारिश अचानक आ गई। मतलब लाइक आप लोग ने देखा होगा जब हम लोग आए क्लाइमेट कैसा था, और फिर मतलब 10 से 15 मिनट में क्लाइमेट ऐसा हो जाता है, यहाँ क्लाइमेट का कोई भरोसा ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ अंदर ही वेट कर रहे थे और फैसल कार में थे, फैसल बोले कि थोड़ी बारिश रुकेगी जब आना, सो हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे कि बारिश थोड़ी कम हो तो हम लोग निकले हुए। तो फिर हम लोग बाहर आए, बाहर मतलब लाइक विजूरिया में ऊपर शेड लगा हुआ है, तो मैं बोली चला बाहर का भी थोड़ा देखते, क्लाइमेट बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, बारिश तो हो रही थी लेकिन बहुत अच्छा था सी, मतलब क्लाइमेट और वेदर भी बहुत अच्छा था, ना ज़्यादा ठंडी थी ना ज़्यादा गर्मी थी। तो बस थोड़ी देर हम लोग यहाँ खड़े रहिए, एमन थोड़ा खेली माशाल्लाह, फिर उसके बाद हम लोग निकल गए यहाँ के लिए वॉलमार्ट के लिए, और थोड़ा सा आगे गए तो कोई बारिश नहीं थी, लाइक वॉलमार्ट की तरफ तो कोई बारिश नहीं होती, और यहाँ हम लोग आ गए थे वॉलमार्ट पहुँच गए थे। फिर यहाँ से जो भी था एमन को थोड़े टॉयज़ लेने थे उसके लिए टॉयज़ लिए, फिर उसके बाद हम लोग घर पर चले गए थे। मैंने वॉलमार्ट की ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, टॉयज़ लिए और बच्चे लोग के कुछ खाने की चीज़ें ले लिए थे। तो फिर हम लोग आए घर पे थोड़ा रेस्ट किए, फिर उसके बाद वापस से फैसल गए भरत बाज़ार, और पानी पूरी का उनका खाने का दिल हो रहा था तो पानी पूरी की पूड़ियाँ और समोसे ये सब लेके आए, फिर हम लोग ने अलहमदुल्ला ये सब इन्जॉय किए। फिर हो गई थी रात, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, और ये था नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे बाथ एंड और बॉडी वर्क से मेरा पार्सल आया हुआ था, मैंने मिस्ट का ऑर्डर दी थी, ये 5 मिस्ट, क्योंकि वन डे का सेल था, लाइक ऑनलाइन सेल था, $6 में ऐसा ही आता है, $16 का या $17 का कुछ है, तो बस सेल था एक दिन का, तो मैंने बोली जल्दी से मंगा लूँ। तो इसमें से दो जो फ्रेग्रेंस थी वो मुझे पता थी, बाकी 3 तो न्यू थी, ये गिंगम मैंने कभी नहीं यूज़ करी हूँ, और ये था जो प्योर वंडर था ये भी नहीं यूज़ करी हूँ, और तो मुझे पता ही नहीं था, मैं बोली चलो ऐसे ही मंगा लेती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खुशबू निकली, और एक दिन का सेल था $6 में, तो मैं बोली मंगाना ज़रूरी है क्योंकि ये $16 का होता है। तो फिर मैंने ये 5 मंगा ली थी, और माशाल्लाह इसकी सबकी खुशबू अच्छी है, और ये सब जो है वहाँ के लाइक फेमस है बाथ एंड बॉडी वर्क्स के, तो ये बहुत अच्छे। ओके सो गाइस, अभी हमारा व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है, फिर मिलेगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। अल्लाह हाफिज़, फिर से अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में याद रखना।